हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते और स्वागत है आपका जागो इंडिया जागो चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन कितना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो क्या अभी आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते? कितना परसेंट करें? हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। इसके लिए मैं कुछ समझाना चाहूँगा, कुछ स्टॉक के जरिए समझाना चाहूँगा जिसे आप क्लियरली समझ पाएँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं क्वार्टर 4 का रिजल्ट, अर्निंग मिस एस्टिमेट, वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन COVID-19 आउटब्रेक। ये है HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसे सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका देखेंगे अगर तो 30 अप्रैल को जो डेट आप देख रहे हैं, इसका Q4 रिजल्ट आउट हुआ था। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन COVID-19 आउटब्रेक। फ्रेंड्स, आउटब्रेक मैं नहीं मानता, क्योंकि जो Q4 था उसमें जो ड्यूरेशन कवर था वो है जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च के लास्ट से लॉकडाउन शुरू हुआ, यानी कि जो इम्पैक्ट एक्चुअली COVID-19 का बोले इंडिया में, वो मार्च के लास्ट से शुरू हुआ कंपनीज में। तो फिर लॉकडाउन में अगर बात करें तो इसमें लॉकडाउन ज़्यादा कवर नहीं होता इस ड्यूरिंग Q4। तो इसमें भी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड क्वार्टरली प्रॉफिट मिस्ड एस्टिमेट्स एंड वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्टेड मोर देन एंटीसिपेटेड एज डिमांड फेल ड्यू टू द COVID-19 लॉकडाउन। प्रॉफिट फेल 1.2% ईयर ऑन ईयर। अभी देखते हैं कि 30 अप्रैल को क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल को जो करेंट मार्केट प्राइस था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वो था 2,195, और आज का करेंट प्राइस इसका देख लीजिए 2,107 है। मैं प्राइस करेंट प्राइस क्यों दिखा रहा हूँ और ये क्यों बता रहा हूँ, उसे मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूँ। उसके बाद देखेंगे 30 जो अप्रैल है, उसके बाद आपको एक डाउनफॉल नज़र आया होगा, यहाँ पे आपको दिखा होगा, ये देखिए, यानी कि 30 के बाद एक बड़ा सा आपको यहाँ डाउनफॉल देखने को मिला अनाउंसमेंट के बाद, जब कंपनीज का रिजल्ट आया। देखिए, COVID-19 का इम्पैक्ट नहीं होने के कारण भी कितना असर पड़ा। तो आने वाले दिनों में ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, जब क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आउट होगा, जो कि अप्रैल मई जून का होगा, जिसमें कि आप बहुत COVID-19 का एक्चुअल इम्पैक्ट देखेंगे, उस वक्त क्या असर होगा आपको पता है, बहुत ज़्यादा असर होगा, क्योंकि इस दौरान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर सभी कंपनीज की हालत बहुत बुरी थी, और इसे ना आप ठुकरा सकते हैं और ना हम ठुकरा सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि सर, आप डायरेक्ट बताइए, आप मुझे गुमराह मत कीजिए, या फिर चार्ट दिखाकर मुझे इतना मत समझाइए, मुझे समझ में नहीं आएगा। सेम थिंग फॉर मैक्सिमम 90% इन्वेस्टर्स के लिए है कि वो सोचते हैं इतने बड़े चार्ट, इतने अगर उनको टर्म समझ में आते तो वो एडवाइज़र होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ डाउट क्या है और क्या मैं बताना चाहता हूँ वो क्लियर मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं तो उसे प्लीज़ एक साथ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अभी Q1 रिलीज होगा, कब होगा ये? आफ्टर जुलाई में शुरू हो जाएगा और जून के बाद से शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट जब आएगा तो बड़े बड़े कंपनियाँ आपको कम वैल्यू पर मिलेगी, तब आपको तैयार रहना है और आपके फ्यूचर के लिए अगेन इन्वेस्टमेंट करना है। ज़्यादा एडिट में टाइम निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, मैं क्लियर समझा देता हूँ और मोबाइल स्क्रीन के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी, फिर मिलेंगे एक और ट्रिक के साथ और एक इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी के साथ। तो फ्रेंड्स, बने रहें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक को क्लिक कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर प्रदीप दुबे।